हेलो स्टूडेंट्स, एक कैश लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और भी पसंद किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए आपकी डिमांड पर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। तो इस भाग में उन विशिष्ट उपचार और निवारक अंतोषों की जानकारी दी गई है जिसका समावेश विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 में किया गया है। संविदा के पक्षकारों को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में उपचार उपलब्ध हैं। उन उपचारों के अलावा विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 में अनेक विशिष्ट उपचार की प्राप्ति हेतु भी दीवानी न्यायालय में वाद दायर करके अंतोष की मांग की जा सकती है। इस विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में कुल 42 धाराएं हैं जो 8 अध्यायों में बांटी गई हैं। यह अधिनियम 1 मार्च 1964 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में जिन विनिर्दिष्ट अंतोषों को समाविष्ट किया गया है उनके शीर्षक यहाँ दिए गए हैं। पहला है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, यानी रिकवरिंग पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो धारा 5 से 8 तक में दिया गया है। दूसरा है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो धारा 9 से 25 तक में दिए गए हैं। तीसरा है लिखितों की प्रसिद्धि, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो धारा 26 में दिया गया है। आगे चौथा है संविदा का विखंडन, यानी रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो धारा 27 से 30 तक में दिए गए हैं। अगला पांचवा है लिखितों का रद्दीकरण, यानी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो धारा 31 से 33 तक में डिफाइन किए गए हैं। और छठवा है घोषणात्मक डिक्रियां, यानी डिक्लेटरी डिक्री, जो धारा 34 और 35 में दी गई हैं। आगे है सातवा निवारक अंतोष, यानी प्रिवेंटिव रिलीफ, जो धारा 36 से 42 तक में बताया गया है। इसके अंतर्गत है अस्थाई और शाश्वत व्यादेश, यानी टेम्पोररी एंड परपेचुअल इंजेक्शंस। और दूसरे हैं आज्ञापक व निषेधात्मक व्यादेश, यानी मैंडेटरी एंड प्रोमेटरी इंजेक्शंस। आठवां इसमें अंतोष है परसीमा काल, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पहला अंतोष, यानी संपत्ति के कब्जे का प्रतिद्वंद के संबंध में, जो धारा 5 से 18 तक में दिया गया है, यानी रिकवरिंग पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रतिद्वंद का अर्थ है पुनः प्राप्त करना, यानी किसी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को प्रतिद्वंद कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से विधिवत तरीके से बेकब्जा कर दिया गया है तो वह अपनी संपत्ति पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण तरीके से कब्जा मिल सकता है और उसे कब्जा नहीं दिया जा रहा है तो वह संपत्ति पर कब्जा इस अधिनियम के अंतर्गत इस उपचार द्वारा प्राप्त कर सकता है। अब समझना यह है कि कब्जा क्या होता है। तो संपत्ति के संबंध में स्वामित्व और कब्जा दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। विद शास्त्र में स्वामित्व की तुलना में कब्जे को महत्व दिया गया है, क्योंकि विद शास्त्रियों के मत में कब्जे में स्वामित्व निर्माण की शक्ति निहित है। इसका मुख्य कारण है कि विद के अंतर्गत कब्जे को स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के कब्जे में दखल देता है तो उसे उस संपत्ति पर बेहतर हक साबित करना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी स्वामी विभिन्न वस्तु को अपने कब्जे में ले लेता है तो वह उस वस्तु का वास्तविक तथा एकमात्र स्वामी माना जाता है। इसी के साथ साथ कब्जे के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दीर्घकाल तक या चिरभोग द्वारा किसी संपत्ति का बिना हस्तक्षेप के उपभोग करता है तो उसे उस संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। इसी बात को प्रसिद्ध शास्त्री बेंथम ने स्पष्ट किया है कि किसी संपत्ति पर कब्जाधारी का वास्तविक कब्जा उसे संपत्ति पर हक दिलाता है और जब तक अन्य व्यक्ति
इससे बेहतर हक स्थापित नहीं कर देता, कब्जाधारी ही उस संपत्ति का स्वामी माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि कब्जे को विधि द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसा संरक्षण वैध कब्जेदारी को ही प्राप्त नहीं है, अपितु तो अवैध कब्जेदारी को भी प्राप्त है, क्योंकि अवैध कब्जेदारी से कब्जा लेने की कार्रवाई विधिबद्ध तरीके से नहीं की जा सकती, अपितु विधिपूर्ण तरीके से ही की जा सकती है। विधिपूर्ण तरीका पारस्परिक समझौता या न्यायालय में वाद दायर करना है। ऐसा वाद अपकृत विधि में अत्याचारी के निष्कासन के रूप में या विदिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 के अधीन कब्जे के प्रत्युद्धरण के रूप में हो सकता है। विदिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 से 8 तक में संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण संबंधी प्रावधानों को 2 शीर्षकों में समझाया गया है। इसमें पहला है यानी फर्स्ट है स्थावर संपत्ति यानी इमोबल प्रॉपर्टी के कब्जे का प्रत्युद्धरण, और सेकंड है जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे का प्रत्युद्धरण। तो इन दोनों के संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।